वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. सो दिस वीडियो इज रियली स्पेशल फॉर मी बिकॉज इस वीडियो में आप सब लोगों बहुत टाइम से मैं Q&A प्लान कर रही थी अपने चैनल के लिए, बट मुझे कुछ नया स्पेशल फन करना था. और आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत बड़ा थैंक यू बिकॉज आप लोगों ने इतने इंटरेस्टिंग और फन क्वेश्चंस मुझे सेंड किए कि मैं खुद कंफ्यूज हो गई कौन से क्वेश्चंस पिक करूँ, कौन से क्वेश्चंस छोड़ूं. सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स. आई एम रियली ओवरवेल्ड और मुझे लगता है ये वीडियो में हमें बहुत मजा आने वाला है बिकॉज पहले आपके क्वेश्चंस प्ले होंगे और फिर मैं आंसर्स दूंगी, वो प्ले होंगे. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रियली फन एंड इंटरेस्टिंग. और मुझे लगता है कि अभी बातों में ज़्यादा टाइम हम ना जाया करके आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं, हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड को शुरू करते हैं. सो लेट्स गो. चलो. हे पलक, प्लीज टेल अस वन आउटडोर शूट मेमोरी व्हिच यू हैड रिसेंटली. ओके, वन आउटडोर शूट मेमोरी. यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर आर सो मेनी मेमोरीज, एक निकालना बहुत मुश्किल है. एक मेमोरी, हम लोग ना कैरियोके नाइट्स करते थे एंड मुझे गाना अच्छा लगता है. आई डोंट नो मैं अच्छा गाती हूँ या नहीं, बट आई लव टू सिंग. सो विद मालव भाई एंड एवरीवन, यू नो, हम लोग जैसे हमारा पैकअप होता था, शावर लेके डिनर करके हम लोग उनके रूम में पहुँच जाते थे गाने के लिए. उनके पास माइक वाइक होता था, पूरा उनके पास कैरियोके सेटअप था. सो वी यूज टू सिंग एंड यू नो वी यूज टू हैव अ लॉट ऑफ फन. तो आई थिंक वो एक मेमोरी है जो मेरे साथ हमेशा रहेगी. वो उन सब के साथ यू नो गाने की एंड एवरीथिंग. देन वी यूज टू प्ले माफिया, एक वो भी है, हम लोग माफिया खेलते थे, हम लोग सीक्वेंस खेलते थे, उनो खेलते थे. तो ये कुछ यादें हैं, मतलब बहुत वी हैड अ लॉट ऑफ फन. सो आई थिंक ये कुछ यादें मेरे साथ हमेशा रहने वाली है फॉर लाइफ टाइम. दीदी एक क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द मोस्ट अनयूजुअल फियर डू यू हैव? अनयूजुअल तो नहीं मैं बोलूँगी, बट आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ रेप्टाइल्स. मुझे लिजर्ड्स वगैरह से बहुत डर लगता है. मेरे घर में अगर चिपकली आ जाए, मतलब अगर वो हॉल में भी है ना, तो मैं मेरे डैड को बोलूँगी कि उसको पहले बाहर भेजो तो ही मैं सो पाऊँगी, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू स्लीप. तो मुझे बहुत डर लगता है चिपकली से, मतलब आई डोंट नो व्हाई. वो कुछ करती भी नहीं है, बट जस्ट बाय लुकिंग एट हर मुझे बहुत डर लगता है. तो हाँ, एक ये फियर है. Hello Palak Di, this is Suhani and I'm the biggest fan of you and I'm very glad that I'm getting the chance to ask you the question. So yeah, my question is, what would you like doing in your spare time? So I hope you answer my question and yeah. Okay. Hi Suhani, सबसे पहले तो thank you so much for sending in this question. सो जब भी मुझे थोड़ा सा खाली टाइम मिलता है तो फर्स्ट तो मुझे आप लोगों के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाना बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो टाइम मैं इधर इन्वेस्ट करूँ. सेकंड, आई लव बेकिंग, कुकिंग. अभी मुझे नया नया शौक लगा है, आपने देखा ही होगा चैनल पर, मैं बेकिंग में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ. सो वो एक चीज़ है. देन डांसिंग ऑफकोर्स, मतलब आई लव डांसिंग. तो जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया सीख लूँ, यू नो, कुछ प्रोडक्टिव कर लूँ. बट दे आर ऑल्सो डेज जब मुझे कुछ करने का मन नहीं करता है, मुझे सिर्फ अपने बेड पर ऐसे सोने का मन करता है. और मैं उस फ्री टाइम में कभी कभी कोई सीरीज़ देख लेती हूँ, कभी कोई मूवी देख लेती हूँ. सो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू बी प्रोडक्टिव गाइज. कभी कभी आपको कुछ स्पेयर टाइम जो होता है वो खुद पे भी यू नो इन्वेस्ट करना चाहिए, और बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करना चाहिए उस चीज़ के लिए, बिकॉज वो भी ज़रूरी है. बिल्कुल रिलैक्स करना, यू नो, जो आपका मन करे वो करना. सो या माई क्वेश्चन टू यू इज़, हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स फॉर एन एक्टिंग करियर? हाउ डिड यू डू इट? आई मीन, डिड योर पेरेंट्स इंस्टेंटली एग्री और नॉट? ओके, how to convince your parents for an acting career. See, if you are really confident about your dream and about your skills, I think aapke parents duniya mein wo pehle insaan honge jo aapko samjhenge aur agree karenge ki theek hai, agar aapko is cheez se khushi milti hai to aap karo. I think ye ek cheez. Aur at the end of the day hamare parents jo rehte hain wo थोड़े से हमारे लिए डरे हुए रहते हैं, बिकॉज उन्हें चाहिए कि हमें यू नो दुनिया की हर खुशी मिले और कभी भी हमें हर्ट ना हो किसी भी चीज़ से, कभी भी हम कुछ गलत डिसीजन ना लें. और क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा लाइफ देखी होती है, तो उनके एक्सपीरियंस से वो हमें सही गाइडेंस भी दे पाते हैं. जब मैंने शुरू किया था तो मेरी मॉम को पता था, मेरे डैड को नहीं पता था.
मेरी मॉम को पता था कि मैं एड्स कर रही हूँ, यू नो, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी के लिए. आई स्टार्टेड डूइंग इट और मुझे पसंद भी आ रहा है वो सब. जब मुझे शो मिला तब मेरे डैड को फर्स्ट टाइम पता चला कि मैं एक्टिंग, यू नो, परस्यू करना चाहती हूँ. और उनका रिएक्शन इतना प्रेशियस था मेरे लिए वो मोमेंट में, बिकॉज ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो प्राउड सीइंग मी हैप्पी कि यू नो तू जो करना चाहती है वो तू कर रही है और तुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिल गया है. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल योर पेरेंट्स वॉन्ट्स इज टू सी यू हैप्पी. और अगर आप खुश हो जो भी आप कर रहे हो उसमें, तो मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को कुछ भी प्रॉब्लम होगी. सो या, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ड्रीम एंड इफ़ यू वॉन्ट टू परस्यू एक्टिंग, देन आई एम श्योर अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे, उनके साथ शेयर करोगे, तो वो ज़रूर समझेंगे. एंड गुड लक फॉर दैट. हाय पलक मैम, माई सेल्फ श्रीराम जलतारे. आई हैव थ्री क्वेश्चंस फॉर यू. इफ़ नॉट तारक मेहता, देन विच टीवी सीरियल और वेब सीरीज वुड यू लव टू एक्ट इन? ओके, हाय श्रीराम. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए जो इतनी ब्यूटीफुल पोइट्रीज लिखते हो, यू नो, मुझे शेयर भी करते हो. कुछ कुछ मैं देख पाती हूँ, कुछ मिस आउट कर देती हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. इफ नॉट दिस शो, देन आई थिंक आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ मनी हाइस्ट. हाँ, मुझे लगता है मनी हाइस्ट आई नो बहुत बड़ा सपना है, बट अगर कहीं उसका ऑडिशन हो रहा और मुझे पता चले तो आई एम गोइंग टू ऑडिशन फॉर दैट, बट आई वुड लव दैट. एंड देयर इज वन मोर सीरीज जो मुझे बहुत पसंद है, इट्स कॉल्ड द मार्वलस मिसेस मेजल. इट्स ऑन अमेजॉन प्राइम. आई लव दैट कैरेक्टर, आई लव दैट सीरीज. सो आई थिंक उसका भी अगर कोई सीजन नया आ रहा है तो प्लीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे पता है आप नहीं देख रहे हैं, बट देख रहे हैं. Congratulations and celebrations for your 1 million Insta family. देखो पलक सिंधवानी को congratulations बोलो 1 million के लिए, तो ता बोलो. My question is, what's the biggest lesson life has taught to you? Okay, biggest lesson. I think बहुत सारे lessons सिखाए हैं life में, but biggest, मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी फिर से बोलूँगी. जो भी चीज़ें लाइफ में आती है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है. उस टाइम पे आप रियलाइज़ नहीं करते हो, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, ये मेरे साथ उस वक्त इसलिए हुआ था क्योंकि आज ये मेरे साथ होना था. सो आई थिंक हर चीज़ का, यू नो, बोलते हैं ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. वो स्टेटमेंट बिल्कुल सच है, क्योंकि सच में हर चीज़ लाइफ में एक रीज़न से ही होती है. वो रीज़न हम उस वक्त उस मोमेंट में फिगर आउट नहीं कर पाते, बट बाद में हमें पता चलता है. सो जस्ट बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल. और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो यू नो यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर एंड बेटर थिंग्स. सो हमेशा बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी, बी योरसेल्फ. आप जैसे हो, यू नो, खुश रहो और पॉजिटिविटी स्प्रेड करो दुनिया में. काइंडनेस, जस्ट बी काइंड टू ईच अदर. ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं, यू नो, सब चीज़ों से दूर. बस कोशिश करो खुश रहने की और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखने की. आई थिंक ये चीज़ें हैं जो मैंने, यू नो, ब्रीफ में आपको बता दी, जो मैंने लाइफ में सीखी है. If you could hear every time someone said something good about you or something negative about you, which would you choose? Okay, I think positive, negative दोनों ही नहीं. I would choose people to be honest with me on my face. I think that is more important. अगर हम लोग एक दूसरे के साथ honest हो जाए, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि blunt हो जाओ, but honest, politely भी आप honest हो सकते हो. So हम लोग अगर एक दूसरे के साथ बिल्कुल honest हो जाए, तो मुझे लगता है आधी problems जो है, आधे झगड़े जो है, आधी negativity जो है, वो वहीं पर finish हो जाएगी. So yeah, बोलते हैं ना, honesty is the best policy, and I think वो मैं मेरी लाइफ में बिल्कुल अप्लाई करती हूँ, और उस चीज़ में बिल्कुल 100% फेथ है मेरा. सो या, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी ओके, हाय साक्षी. और मैं, अगर मुझे कोई फिल्म मिलेगी फ्यूचर में, तो मैं वो किसके साथ करूँगी? मैं वो फिल्म करूँगी रणबीर कपूर के साथ, बिकॉज ही इज़ माय फेवरेट एक्टर. एंड मुझे वो, उनकी एक्टिंग स्किल्स, मतलब बहुत ही पसंद है. मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है. मुझे वो बहुत ही काम और बहुत ही टैलेंटेड लगते हैं.
सो आई थिंक अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्यूचर में सो आई वुड लव टू डू अ फिल्म विद हिम. हेलो मैम, माय नेम इज यश रंजवार और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हर एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है, तो आपके लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट होगा और जिससे कि आपको इतना बड़ा शो मिला है जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा. थैंक यू मैम. हाय यश, आप ही ने सवाल पूछा, आप ही ने जवाब दे दिया. आपने मुझसे पूछा टर्निंग पॉइंट क्या था, तो मेरा टर्निंग पॉइंट आपको पता है क्या था और आपने ही बोल दिया वो. सो डेफिनेटली दिस शो वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. मैं बहुत सारे, जैसे ही आफ्टर कॉलेज मैं एड्स वगैरह भी कर रही थी, लेकिन बोलते हैं ना कि पूरी लाइफ आपकी चेंज हो गई, आपको इतना सारा प्यार मिला, आपको लोग जानने लगे, तो वो सब इस शो के बाद ही हुआ. सो या दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. हाय पलक, माय नेम इज अपनी. हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस फॉर दिस बिग माइलस्टोन यू हैव अचीव्ड. सो अकॉर्डिंग टू मी, बिहाइंड एवरी सक्सेस स्टोरी देयर आर टू मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन्वॉल्वड व्हिच आर हार्ड वर्क एंड लक. So my question to you is, what contribution do you think these two have in your success story, hard work and luck? Okay, hi Avni, बहुत ही interesting question है. Hard work and luck, okay. मैं बोलूँगी hard work of course बहुत important role play करता है जब भी आप अपने dreams pursue करते हो. मेरे साथ भी वो था, यू नो देर वॉज अ फेज इन माई लाइफ जब मैं तीन तीन चार चार जॉब्स कर रही थी साथ में, और उस वक्त मुझे लगता था ऑफकोर्स मतलब आई एम अ ह्यूमन बींग सो मैं क्रिप तो करूँगी. तो उस वक्त मैं मुझे बहुत ऐसा लगता था कि जहाँ सब लोग ट्रिप्स पर जा रहे हैं, यू नो कॉलेज ट्रिप्स, और इतना इन्जॉय कर रहे हैं, मैं क्यों इतना काम कर रही हूँ. बट आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट फेज इन माई लाइफ बिकॉज समवेयर इट मेड मी स्ट्रॉन्गर. और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने जो इतना हार्डवर्क किया उसका रिजल्ट मुझे अभी मिला है. और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली लक भी एक फैक्टर है जो इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं यू नो काम करता है. और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि इतना जल्दी यू नो मेरे करियर में, मतलब मैंने अभी शुरू ही किया था, और मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई. और वो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी यू नो मुझे इतना सारा प्यार आप लोगों से मिला. मतलब मुझे डेली ऐसा फील होता है कि यार इतना सारा प्यार, मतलब आई फील सो ओवरवेल्म्ड. अभी भी देखो शब्द ही नहीं आ रहा है क्या बोलूँ. बट आई एम रियली रियली ग्रेटफुल, थैंकफुल, और मैं रोज़ थैंक यू बोल कर ही सोती हूँ कि थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ और थैंक यू फॉर ऑल दीज अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज. Hi Palak di, I am Charvi Satija. So I just wanna ask you that how you succeeded on YouTube, like how you managed everything. Please tell me. Bye. Okay, so I think सबसे important चीज जो मुझे लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे हो आप वैसे ही दिखाओ. यू नो ओरिजिनैलिटी जो है वही लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है. और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग ओरिजिनैलिटी से ही रिलेट कर पाते हो. यू नो कुछ फेक करना, कुछ प्रिटेंड करना, वो मुझसे कभी नहीं हुआ है लाइफ में और ना कभी होगा, और मैं चाहती भी नहीं हूँ वैसा करना. मुझे ऐसा लगता है बस ऑन स्क्रीन ही मैं वो करूँ, यू नो एक्टिंग करूँ. और अगर मैं आप लोगों से ऐसे मिल रही हूँ तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी माई ओरिजिनल सेल्फ. हाँ, सो मैं आप लोगों के साथ यू नो बिल्कुल जैसी मैं हूँ रियल लाइफ में, विद माई पेरेंट्स, विद माई फ्रेंड्स, मैं चाहती थी मैं आप लोगों के साथ भी वैसे ही बॉन्ड करूँ, मैं जो हूँ वैसे ही आपको दिखाऊँ. और रही यूट्यूब की बात, तो मैं सारा क्रेडिट जो है यू नो आप लोगों को देती हूँ पहले तो, क्योंकि आप, मैं तो मेहनत कर ही रही थी, मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, सब करती हूँ, आप लोगों को एंटरटेन करने की हर कोशिश करती हूँ, लेकिन आप लोगों का वो सब चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है और अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, उसे प्यार करना बहुत ज़रूरी है. तो आप सब ने वो किया तो उसके लिए पहले थैंक यू. और सो मेरा मोटिव वही होता है कि मुझे भी मज़ा आए, आपको भी मज़ा आए, मुझे भी खुशी मिले, आपको भी खुशी मिले. आपकी अम्मी अबू का क्या रिएक्शन था जो आपके मन में लिया? ओके, मेरे अम्मी अबू का क्या रिएक्शन था जब मेरे 1 million फॉलोवर्स हुए? मेरे डैड सोशल मीडिया लवर नहीं है बिल्कुल भी, इनफैक्ट मेरी मॉम भी नहीं. मेरी मॉम और डैड सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, बाकी कुछ नहीं. सो उन्हें एक्चुअली में नहीं आइडिया है कि यू नो 1 million इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो इज़ इट अ बिग डील और क्या नॉर्मल. सो आई जस्ट यू नो टोल्ड माई डैड के पापा मुझे ऐसे 10 lakh लोग फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आपको पता है?
तो बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत खुश हुए, मम्मा भी बहुत खुश हुई. और उसी दिन हम लोगों ने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था घर में, एंड दे जस्ट सेड दैट यू नो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड हम लोग बहुत खुश हैं तुझे इतना खुश देखकर, और हम बस चाहते हैं कि तू ऐसी ही यू नो लाइफ में सक्सेसफुल रहे, सक्सेस जो है उसकी सीढ़ी चढ़ते रहे विद टाइम. सो या आई थिंक यही उनका था. और ऑफकोर्स वो लोग बहुत बहुत खुश थे, दे बोथ हग्ड मी, दे बोथ वर लाइक वी आर सो प्राउड. सो या दैट वाज देयर रिएक्शन. मेरी नाम अनुप्रिया है और मेरी सवाल यह है कि आपके बचपन में ऐसा कभी हुई है कि आप अपने पड़ोसी के डोरबेल बजा कर खुद 9-11 हो गए? पड़ोसी की बेल बजा कर मैं 9-11 हो गई. हाँ आई थिंक मैंने किया है. बहुत छोटी थी तो हम लोग मेरे घर के बाहर ही बहुत बड़ा यू नो पैसेज हुआ करता था, गली थी एक, रोड था इधर, तो हम लोग खेलते थे रात में बहुत सारे गेम्स, पकड़म पकड़ाई हो गई, या यू नो एक और कोई गेम होता था दैट नदी पहाड़, हाँ तो वो सब हम जब खेलते थे तो आसपास यू नो पड़ोस में मतलब मैंने नहीं किया है, बट मेरे साथ जो लोग खेलते थे उन्होंने किया है और उनके साथ मैंने पूरा साथ दिया है और मैं भागी हूँ उनके साथ. सो हाँ किया है. मैम हाय, आई एम अकीक्षा एंड आई एम अ बिगेस्ट फैन. सो माय क्वेश्चन टू यू इज़ मैम, विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू यूज़ फॉर योर वीडियोज एंड हाउ आर यू? लव यू. हाय, आई एम गुड, आई होप यू आर डूइंग वेल. विच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू आई यूज़? ओके, मैं मोस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इनशॉट यूज़ करती हूँ फॉर माय वीडियोज. पिक्चर्स के लिए तो मैं बहुत सारे यूज़ करती हूँ, बट अगर वीडियोस के लिए आप मुझे पूछ रहे हो तो मोस्टली आई एडिट माय वीडियोस फ्रॉम इनशॉट बिकॉज इट्स वेरी यूज़र फ्रेंडली, बहुत सिंपल है उसे यूज़ करना है, फटाफट से यू कैन एडिट. सो या इनशॉट मैं यूज़ करती हूँ. हाय पलक दी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सो क्यूट एंड इनोसेंट एंड लेट्स कम टू द क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू दैट व्हेन एंड व्हाट एज यू स्टार्टेड योर एक्टिंग करियर एंड एक्टिंग is your family background or you are the only first one who has started acting in your family? So please tell, I want to know. Thank you. Okay, two questions are there. First, kab maine acting shuru ki? To maine when I was in my college second year, that time I started giving audition for ads kyunki main backstage already kaam kar rahi thi casting wagera. तो तभी आई थिंक मेरी एक्टिंग जर्नी शुरू हो गई थी फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज. मेरी फैमिली बैकग्राउंड में एक्टिंग नहीं, दूर दूर तक नहीं है ऑनेस्टली. भाई और मैं, हम दो ही एक्टर्स हैं. मतलब भाई भी भाई मुझसे पहले ऑफकोर्स मुंबई आए थे, उनकी जर्नी मुझसे पहले शुरू हो गई थी और उनके बाद मैं एक्टर बन गई. बट दूर दूर तक फैमिली में कोई एक्टर नहीं है, मतलब ना मामा फैमिली में, ना चाचा फैमिली में, दादाजी फैमिली, कोई एक्टर नहीं है, सिर्फ भाई और मैं ही है. हेलो पलक दीदी, होप यू आर वेल एंड हेल्दी. फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज़ भूमिका गोयल एंड आई एम लिटरली अ बिग फैन. सो माय क्वेश्चन टू यू इज, इफ यू वर नॉट एन एक्टर देन व्हिच प्रोफेशन यू विल चूज? आई थिंक मैं अगर एक्टर नहीं होती तो मैं मार्केटिंग में कुछ कर रही होती. आई थिंक मेरा खुद का या तो कोई ब्रांड होता या मैं किसी ब्रांड की मार्केटिंग संभाल रही होती बिकॉज आफ्टर BMM मेरा प्लान था MBA करने का इन मार्केटिंग. मैं अभी भी करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा प्लान चेंज हो गया है, बट अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है बिकॉज यू नो आई एम एक्टिंग. तो मैं ज़रूर जब भी मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं MBA करूँगी. सो अगर एक्टर नहीं होती तो आई थिंक मैं मार्केटिंग में कुछ कर रही हूँ. वाओ गाइस, आई हैड अ लॉट ऑफ फन यू नो आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस. आई नो कुछ क्वेश्चंस मिस आउट हुए हैं बट डोंट वरी, मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी और आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे. बट आई एम सो ग्लैड दैट आई डिसाइडेड टू डू इट. यू नो आपसे ऐसे वन टू वन इंटरेक्ट करके मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई होप आपको भी ये वीडियो देख के उतना ही मज़ा आए. On this note, I'll take your leave, guys. But I promise that I'll see you all soon in my next YouTube video. Till then, please take care, stay safe, and I love you guys. Thank you for everything. Thank you. Bye.